एक बहुत ही बड़ी घटना 18 नवंबर को हुई, जब इस गांव की हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर एक प्राइवेट स्कूल में ले जाया गया। रात में उनको खाने में खिचड़ी दी गई, जैसा अभी परिवार वालों से बातचीत हुई। इनका मानना है कि पहले जो खिचड़ी बच्चियों ने बनाई थी उसको जो शख्स था, जो टीचर था, जो लेके गया था बहला फुसला के, उसने ये कहा कि इस खिचड़ी से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, हम खाना देते हैं वो खाओ। और जो खाना उसने दिया, जो खिचड़ी उसने दी, उसमें नशीले पदार्थ मिलाकर बच्चियों को खिचड़ी दी गई, हाई स्कूल में पढ़ने वाली उन बच्चियों को जो प्रैक्टिकल के लिए गई थी। और उसके बाद उनका यौन शोषण किया गया। पहले थाने में इनकी सुनवाई नहीं हुई, फिर इनका कहना है कि मीडिया वालों ने जब ये आवाज़ उठाई, आप लोगों ने जब इनका मुद्दा उठाया, तो बड़ी मुश्किल से एसएसपी के माध्यम से एफआईआर दर्ज हुई और जो दोषी लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई। और जो बाकी बच्चियां हैं उनका पुरकाजी थाना के थाना अध्यक्ष ने आके बयान लिया है। 6-7 बच्चियों का बयान अब तक हुआ है, ऐसा परिवार वालों ने बताया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना को, 18 नवंबर को ये घटना हुई, इसको पहले तो दबाने का प्रयास किया, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, आप लोगों ने इनकी आवाज उठाई तो बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहां शर्म और संकोच के कारण बच्चियां आवाज नहीं उठा पा रही। इसलिए कल देश के सर्वोच्च सदन में मैंने इन बच्चियों की पीड़ा को उठाया और संसद के अंदर मांग की कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, यानी त्वरित अदालत बने जिसमें 6 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके और जो इसमें दोषी लोग हैं, जिन्होंने ये दुर्दांत अपराध किया है, जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, इसकी मैंने मांग की है। और परिवार को किसी भी प्रकार से अगर डराने धमकाने की कोशिश की गई तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। मैं जिला प्रशासन से ये भी मांग करता हूँ कि इनके परिवार की सुरक्षा का भी इंतजाम कीजिए, क्योंकि जो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं वो अपने आप को फंसता हुआ देख, अपने आप को इस घटना में दोषी पाता हुआ देख, इनके साथ कोई और बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए इनके परिवार की सुरक्षा का भी इंतजाम करना चाहिए। इसमें कोई एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है और यही हमने इनके परिवार को भी भरोसा दिया है।